बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल फिर आगे। दिल्ली में पूरा रोलर कोस्टर हो रहा है। प्रवीण खंडेलवाल आज बहुत मंदिर गए और ये देखिए अब आपके सामने बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा सा ग्राफिक्स आ रहा है सुमेरा। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमारे सामने इस वक्त जो अभी हमारे पास रुझान है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 38 पर आगे है, बीजेपी 34 पर, कांग्रेस पार्टी 5 पर, आरएलडी 1 पर और सुभाषपा 1 सीट पर आगे चल रही है। देखिए लेकिन बढ़त बनाई हुई है रुझान में अभी भी जो समाजवादी पार्टी है उसने, और ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक बार फिर 22 पर पहुंच गई है। हमारा एग्जिट पोल यही था, उसी तरह की तस्वीर है जो पिछली बार भी थी। 18 पर बीजेपी है, टीएमसी 22 पर है, सीपीआईएम 1 पर है, सीपीआईएम को 1 सीट का फायदा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 पर है, लेकिन ये 1 सीट अधीर रंजन चौधरी की आपके नहीं है। जो हम डेटा दिखा रहे हैं इसको डेटा क्रंचिंग हम आपको बाद में करके बताएंगे, क्विकली जरा इसको चेंज करिए। महाराष्ट्र की अगर बात करें वहां पर सुमेरा ने अपने हाथ में ले लिया एक बहुत बड़ा हथियार, और ये देखिए महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, ये देखिए दिखाइए, देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, बीजेपी को 15 सीट मिल रही है और हम ये कह रहे थे कि बीजेपी अपनी सीटों को रिटेन कर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी 9 पर है। उद्धव ठाकरे सुमेरा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है उद्धव शिवसेना उद्धव उसको 7 आ रहे कांग्रेस के 9, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। किशनगंज से एनडीए आगे, ये महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये रिवाइवल है, और आप एनसीपी अगर बात करें एनसीपी 5 कांग्रेस 9, ओवरऑल ये कांग्रेस का रिवाइवल महाराष्ट्र में है, उद्धव के लिए सेटबैक है बियॉन्ड एनी डाउट। और देखिए बिहार की तस्वीर देखिए, बिहार में बीजेपी को 11 सीट मिल रही है, जेडीयू को 9 सीट मिल रही है, यानी जेडीयू अपनी सीट पे पीछे थोड़ा पिछड़ रहा है, आरजेडी को 8 है, एलजेपी रामविलास को 5 है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहां पर अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर है। नंबर्स बहुत कम हो गए अगर पिछली बार की अपेक्षा में देखा जाए तो बहुत कम हो गए हैं, ये एक्सपेक्टेड था, बट तेजस्वी ने जो फाइट दी है ये आपको दिखाई दे रहा है। जरा चेंज करिए यहां पर, हमें ये एग्जिट पोल भी था कि जेडीयू को नुकसान ज्यादा होगा और वो हो रहा है, यहां पर जेडीयू को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये जो आपके सामने तस्वीर आ रही है ये देखिए सुमेरा प्लीज। जी हाँ देखिए दिल्ली की तस्वीर है और दिल्ली की तस्वीर में एक बार फिर तस्वीर बदली है, बीजेपी अब 6 सीट पर आ गया है, कांग्रेस पार्टी 1 ही सीट पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है, और ये ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में एक्चुअली आईपीएल का मैच देख रहा हूं और ये प्ले कार्ड चेंज होते जा रहे हैं, कभी कोई छक्का मार रहा है, कोई एक रन ले रहा है।